कुकवित्रमा में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम बनाएंगे रसमलाई। तो रसमलाई के लिए हमने ये 1 लीटर दूध लिया है, फुल क्रीम दूध है। तो देखिए ये दूध हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। एक हमने कढ़ाई में 1 लीटर दूध गर्म होने के लिए रख दिया है। इसकी हम रबड़ी बनाएंगे। इसको हम फुल गैस पर रखेंगे और ध्यान रहे चलाते हुए हमें इसे गर्म करना है। दूध हमारा उबलने लगा है, अब हम इसको ऐसे ही बिल्कुल गाढ़ा होने तक गर्म करेंगे। तो देखिए दूध में हमारी उबाली आ चुकी है, गैस को हम बंद कर देंगे। अब हम दूध को नीचे उतार के रखेंगे। 5 से 6 मिनट के लिए हम इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। तो देखिए दूध हमारा ठंडा हो चुका है, 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें ये नींबू का रस डालेंगे और धीमे धीमे हम इसको डाल के दूध को फाड़ेंगे। ऐसे हम इसको चलाते जाएंगे संग में। तो देखिए दूध हमारा गाढ़ा होने लग गया है। हमने ये केसर लिया है, ये देखिए आप हैं, इसमें हम थोड़ा सा दूध डाल देंगे। अब हम इसको रख देंगे। तो देखिए पनीर को हमने छान दिया है। अब हम इसको साफ पानी से अच्छे से धो लेंगे, जिसमें ये नींबू का जो खट्टापन है वो निकल जाए अच्छे से। तो देखिए आप, इसको हम अच्छे से निचोड़ लेंगे। हमें इतना भी नहीं निचोड़ना है कि बिल्कुल नमी ना रहे इसमें, थोड़ी सी नमी रहना चाहिए। तो देखिए पनीर हमारा बन चुका है, ये देखिए। ये दूध हमारा अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसमें ये हमने 4 चम्मच मीडियम साइज से चीनी ली है, इसको हम दूध में डाल देंगे। चीनी के बाद हम 5 से 10 मिनट तक दूध को और उबालेंगे। देखिए आप अगल बगल से अच्छे से इसकी मलाई को छुटाते जाएं। अब हम इसको उबलने देंगे। तो देखिए छेना हमने ठंडा होने के लिए रख दिया है। अब हमने गैस पे कुकर चढ़ा दिया है, इसमें हमने अच्छे से भर के 1 कप चीनी ली है, इसको हम कुकर में डाल देंगे। और इसी कप के नाप से हमें 4 कप पानी लेना है। तो देखिए गैस को हमने तेज कर दिया है। अब हम इसमें एक उबाली आने देंगे। देखिए आप हाथों में थोड़ी सी नमी है, आप थोड़ी सी नमी ज़रूर इसमें छोड़िए, जिससे हमारा छेना बहुत सॉफ्ट बनेगा। अब हम इसमें 2 चम्मच अरारोट पाउडर डालेंगे। और इसको अच्छे से मैश कर लेंगे, बिल्कुल एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे हम इसका मसल मसल के। तो देखिए कम से कम 10 मिनट हो चुके हैं। देखिए आप कितना सॉफ्ट डो हमारा बिल्कुल बन के तैयार है, ये देखिए आप चिकना हो गया है बिल्कुल। अब हम इसके छोटे छोटे सी बॉल बना लेंगे। तो देखिए ये हमने छोटी छोटी बॉल बना ली हैं। अब हम इसको इस तरीके से गोल करेंगे और हल्के हाथ से बिल्कुल प्रेस करेंगे। ऐसे ही हमें सारी बॉलों को कर लेना है, हल्के हाथ से हमें प्रेस करनी है। तो देखिए रबड़ी हमारी बिल्कुल बनके तैयार है। अब हम गैस को बिल्कुल बंद कर देंगे और इसका हम थोड़ा सा
ठंडा होने देंगे। तो देखिए चाशनी हमारी उबल रही है। हमें ऐसे ही उबलते हुए पानी में छेने को डालना है, ठंडे पानी में बिल्कुल नहीं डालना है। हम एक एक करके इसमें डालते जाएंगे। अब ये देखिए पानी हमारा अभी भी उबल ही रहा है। अब हम इसको ढक देंगे। ध्यान रहे हमें बिल्कुल भी सीटी नहीं लगानी है इसकी, और गैस को भी बिल्कुल तेज़ रखना है। देखिए दूध हमारा बिल्कुल तैयार है रबड़ी बनके। अब हमने इसमें ये केसर वाला दूध डाल देना है। ये हमने 7 से 8 इलायची कूट के रखी हुई हैं, इसको भी डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो देखिए 6-7 मिनट हो चुके हैं। अब आप देखिए हम छेने को चेक कर लेते हैं। ये देखिए आप कितने अच्छे फूल रहे हैं छेने। अब हम इसको और 5-7 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। तो देखिए छेना हमारे बनके बिल्कुल तैयार हैं। गैस को हम बंद कर देंगे। इसको हम थोड़ी देर के लिए ठंडे होने देंगे। तो देखिए ये छेना हमारा बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब हम इसको आराम से अपने इस तरीके से निकाल के रबड़ी में डालते जाएंगे। इसी तरीके से हम सारे छेना को इसी में डाल देंगे। देखिए रसमलाई बनके हमारी तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।